हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है छोटी होली वाला दिन और बस काम सारा हो गया है। 11, सवा 11 हो गई है। नाश्ता हो गया है। जागृति ले आई थी सुबह से भाई, और ये तो गए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए कहीं। और बस नहा धो लिए सब, और बस उसने सब्जी भी बना ली जागृति ने। पूड़ियाँ मैं देखती हूँ, सिखवा देती हूँ, मता तलवा देती हूँ। और आज हम लोगों में बरगुले उतारने वाला, भाई की नज़र उतारने वाला होता है, फिर वो होली का दिन में वो कर देते हैं तो नज़र उतार जाती है। तो वो होगा जो शगुन का हम लोग करेंगे। तो बस यही सब चल रहा है। और मैं आजकल मतलब इस बार सब कुछ ठाकुर जी के दर्शन कर लो, मम्मी ने बहुत अच्छा सजाया है। ईलू तैयार होने वाली है, देखो। और वो रे पापा से मिल लो और ठाकुर जी के भी दर्शन करवा देती हूँ। मैं सारा शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में रही। पापा थे ना तब मैं ना शूट किया नहीं करती थी। यहाँ पे आती थी ना तो मैं कुछ भी शूट करती नहीं थी। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं शूट कर रही होती तो और भी यादें मेरे पास होती और मैं पिछली यादें देख सकती थी। तो इस बार मैं हर चीज़ जो है शूट कर रही हूँ तब का, ताकि है ना अब ना वो मलाल नहीं रहे मेरे मन में। तो अभी ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगी और बस फिर देखते हैं। किचन में आटा लगा रही है जागृति, तो पूड़ियाँ तलवा देती हूँ। देखना दोनों यार ये वाला ना ऐसा में तुम्हारे पास थोड़ी ऐसा नहीं। इस बार मामी के साथ हालांकि बहुत अभी पिछले साल चली थी इनकी। पिछले साल बहुत चली थी। तो ग्रीन ब्लैक भी आता है, बहुत अच्छे। रेड भी बहुत सुंदर लगता है, सुंदर है ये, अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं भी हो गई तैयार। अब लेके आते हैं आइसक्रीम मिठाई की जगह, क्योंकि मीठा तो कोई पसंद ही नहीं करता हमारे घर पे। तो फिर आइसक्रीम ले आते हैं। शिप्रा के साथ जा रही हूँ। और कहीं ले मैंने अपना पूरा लुक तो दिखाया ही नहीं था। ये कलर का कुर्ता है और ये भी नई पहनी है। आइसक्रीम मैं लेके आ गई हूँ, एक वनीला और एक बटरस्कॉच। शिप्रा मिठाई लेके आई। बस सब छिट्टे जो आएंगे तब कुछ होगा। आइसक्रीम डबल हो गई, ये भी ले आई मैं भी ले आई। तो एक अभी खा लेते हैं। क्या फ्लेवर है? ले मम्मी ले, थोड़ी खा ले, थोड़ी रख दीजिए। देखना, दिखाओ आँख क्यों बंद कर रहे हो? आँख देखो क्या करके लाए आँख। डबल आइसक्रीम आएगी बेबी। अच्छा। तो क्षितिज और क्रिकेट खेल के आए, फिर वो नहाए धोए, फिर उन्होंने थोड़ा नाश्ता किया। तो तब तक में टाइम हो चुका था। तो अब जो है हम तैयारी कर रहे हैं घोल करने की, बरगुले वाला। और बस सबसे पहले हम पापा को किया करते थे, तो यहाँ पे पापा को करेंगे। ईलू अपने पापा को करेगी और अथक को करेगी, हम लोग क्षितिज को कर देंगे। तो बस यहाँ पे ये तैयारी करके हमने पापा को घोल कर दिया था। तो बस यहाँ पे हमने अपने पापा का किया, क्योंकि हमेशा किया करते थे। आज भी मम्मी भी जब जाती है नानी के घर पे तो नाना जी को भी भाई दूज औरों में करती है तिलक वगैरह नाना जी की फ़ोटो पे। तो बस यहाँ पे हमने किया, फिर इलू ने अपने पापा को किया, क्योंकि जब बहन दूर होती है या आ नहीं पाती है तो बेटियाँ जो हैं वो कर देती हैं। फिर इसके बाद यथक को करेगी, हम क्षितिज और जागृति को कर देंगे। अब तुम भी दो। तो ये सब करके हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए, और जाना हमें था लक्ष्मी नाथ जी के साइड जाना था। एक्चुअली जब मैं बस में आ रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि मुझे भैरोजी के यहाँ जाना है। तो घाटी के भैरोजी बहुत मुझे याद आए। तो फिर वहाँ जाना था, तो आसपास ही लक्ष्मी नाथ जी, लेकिन इस टाइम पे वो दर्शन बंद रहते हैं, लेकिन उनको ना टालते नहीं है, क्योंकि वो नगरपति हैं तो टालते नहीं है। तो बंद में भी एक बार दर्शन करके और फिर जो है हम पास ही में घाटी के भैरू जी हैं उनके मंदिर पे गए। वो जो है वहाँ के दर्शन जो है खुले थे। ये तो बड़ा मंदिर था तो टाइम टू टाइम ही सब कुछ होता है। बाकी जो वो थे वो त्योहारों में घाटी के भैरू जी और उनके दर्शन खुले रहते हैं। तो हमने फिर घाटी के भैरू जी जाके दर्शन किए। बस वहाँ से आने के बाद काफ़ी थक गए थे। खाना हम बना के गए थे, आलू टमाटर की सब्जी है, छोले की है, पूड़ी है, भुजिया है, अचार है। खाना वाना खाया, ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। फिर शाम को मामा और आ गए थे तो मम्मी ने उनको किया, क्योंकि पापा के जाने के बाद पहला त्यौहार है तो पहला त्यौहार जैसे जाने के बाद हम लोगों में ऐसे मनाते नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने क्षितिज और अथक से ना वो दिलवा दिया था मिठाई और जो बरगुले और भिजवा दिए थे नानी के घर पर। तो वो सारे लेकर के मामा लोग घर आ गए थे मम्मी से करवाने के लिए शाम के टाइम पे। तो मम्मी ने मामा औरों को कर दिया और जो मामा के दो लड़के हैं उनको हमने कर दिया। तो बस इस तरीके से जो है पूरा दिन जो है निकल गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे होलिका की पूजा करने के लिए। फोटो खिंचा तो ऐसे बार बार रिटेक ऐसे ना कुछ भी करते रहते हैं होली में। मतलब कैसे एक तो ये और दूसरा यार आते नहीं एंड तक लोग देखने उसके आ रहे हैं। मेरे को दोनों खराब लगने लग गया। और क्या ऐसे क्या भागने से क्या बहनों के लिए तो हमेशा ही तेरा दोनों का मैं करूँ एक बार हाँ क्या और शुगर पानी का जाएगा। तो बस यहाँ पे मामा लोग और चले गए थे। तो उसके थोड़ी देर बाद जो है हम होलिका की पूजा करने के लिए आ गए थे। क्षितिज की जहाँ क्लिनिक है ना, तो वहाँ पे भी उसने चंदा वंदा दिया था, तो उसने कहा इस बार वहाँ कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ना हमारे घर के पास एक शमशान वहाँ साइड लगी थी, तो उस साइड मेरा दिल नहीं था जाने के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला कि या तो मैं किसी मंदिर में लगी होगी तो उसमें पूजा करूँगी, नहीं तो यहाँ कहीं और करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि दिल ना मेरा अजीब हो जाता है फिर ये सब देख के। तो फिर इस साइड हमने कर ली थी पूजा, सबने पूजा की। फिर यहाँ आए हुए थे, बाहर निकले हुए थे, और जस्ट इसके पास ही ना मुक्ता प्रसाद की पूरी चौपाटी, यहाँ पे डोसा, पाव भाजी, गोलगप्पे जो सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे मम्मी ने बोला कि चल अब इतने सारे जने आए तो हो, तो वहीं पे खा के चल लो, घर पे बनाने का चक्कर मत रखना फालतू, तुम लोग को बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आए गोलगप्पे, सबने सोचा कि सबसे पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। तो मम्मी को भी ज़बरदस्ती दो बिना आलू वाले गोलगप्पे खिलाए। मम्मी के बिल्कुल भी दिल नहीं था, अभी मम्मी का दिल ख़राब है क्योंकि पापा नहीं है, पहला त्यौहार है पापा के बिना। तो फिर मम्मी ने दो गोलगप्पे खाए, फिर बस मम्मी तो गाड़ी में बैठ गई थी, मम्मी को ज़रा भी भूख नहीं थी। हम लोगों ने क्या है कि डोसे जो है बनवा लिए थे, तो डोसे जो है यहीं पे खा लिए थे, क्योंकि अभी लेट ही खाया था हमने खाना, तो फिर उतना भूख नहीं थी, तो फिर डोसा हल्का रहता। तो डोसे वोसे खा के और फिर जो है हम लोग घर आ गए थे। तो उसके बाद बस थोड़ी बातें की और फिर सब लोग सो गए थे। उसके बाद ईलू ने बोला था मैं तो होलिका दहन देखूंगी, तो फिर इसलिए मैं ये और ईलू तो जो है वो जगे हुए थे होलिका का दहन देखने के लिए इस बार, क्योंकि लेट था, 11:15 से ऐसे कुछ टाइम था, 11:20 के बाद। 11:20 हुए, मम्मी और तो सब सो गए, हम जगे हुए थे होलिका दहन देखने के लिए। तो अब होगा दहन, तो जाके आते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे होलिका दहन हो रहा था, तो यहाँ पे हम देखने के लिए आ गए थे। ये हमारी कॉलोनी का ही है होलिका दहन, और ये जो दीवार दिख रही है वही जो है वो एक शमशान घाट है। तो बस यहाँ पे होलिका दहन जो है वो देखा। पापा पता है कि आधी रात को भी कभी कभी हम जब छोटे थे ना, तो आधी रात को भी हुआ करता था होलिका दहन, कभी 3 बजे हो रहा है, कभी 4 बजे का मुहूर्त होता था, तो पापा हमेशा देखा करते थे चाहे कितनी ही लेट हो जाए। तो फिर बस ईलू को भी इच्छा थी, तो फिर हम लोग आ गए थे होलिका दहन देखने के लिए। यहाँ पे होलिका दहन देखा और बस मम्मी औरों को तो ग्रुप में मैंने भेजी थी वीडियो कि चलो दर्शन कर लो, और उसके बाद हम घर आके सो गए थे। तो इस तरीके से निकला छोटी होली का दिन।